हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। एक ने ये मेरे थंबनेल देखने से आपको पता चल गया होगा कि मेरे हाथ में क्या चीज़ है, क्या चीज़ का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आज फाइनली मैंने एक ट्राईपोड मंगाया, अच्छा सा ट्राईपोड मंगाया है। सस्ता ही है, बट सस्ता में चीप एंड बेस्ट बोलते हैं ना, तो उसी में से ये है। आप अपना कमेंट में रिव्यू देना कि ये वाला ट्राईपोड अच्छा है क्या बुरा है। मेरे को जहाँ तक अच्छा लगा तो मैं इसी को ऑर्डर किया हूँ। तो इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ, सामने से देख सकते हैं ये कुछ इस तरह है और कुछ इस तरह बॉक्स पैक किया हुआ है। अब इसको मैं खोलता हूँ। ये एक सीधा लिफाफा निकलता है। लिफाफा में क्या है, यही ये जो प्राइजेस है, क्या इसकी क्या प्राइजेस पड़ी है, तो प्राइजेस मैं लास्ट में बताऊँगा। बट प्रोडक्ट का नाम अभी बोल देता हूँ। प्रोडक्ट का नाम है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय 12 इंच ट्राईपोड विथ FX। ID नंबर दिया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख के ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके बाद ये रहा, तो इधर से फाड़ते हैं। ऑलरेडी फटा हुआ है, देख इतना बड़ा डब्बा, कितना पागल बना था, इतना बड़ा डब्बा देख लीजिए। और ट्राईपोड कितना, 30। और इसकी हाइट है, फ्लेक्सिबल ट्राईपोड है, देख सकते ये फ्लेक्सिबल ट्राईपोड। जस्ट अकॉर्ड टू सो कम चूज, देखिए किस 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 चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा, फ़ोन के लिए कैमरा के लिए, GoPro CLR कैमरा जो आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस क्या, कहीं भी फंसा सकते, कहीं भी लटका सकते, क्या क्या फंक्शन। अब अंदर जाते हैं, खोल के देखते हैं इसकी। और ये 12 इंच का है, तो 12 इंच देख लेना आप कितना होता है, अपने समझ से आपको पता चल जाएगा। अब खोलते हैं। अब ये निकला फाइनली ट्राईपोड। अंदर में देखिए एक ये आ गया ट्राईपोड आपका। अंदर में और क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये आ गई, ये ग्रिप है, इसी में मोबाइल लटकाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, आपको हम यहाँ दिखा सकते हैं क्या, इसी में फ़ोन लटकाया जाता है। देखिए ये फ़ोन लटक गया, टंटड़ा। अब इसको खोल देते हैं, पहले इसमें सेट करते हैं। ये वाला हो गया ट्राईपोड। अब इसको कैसे करना है ये तो मुझे भी नहीं पता है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये इस तरह रहता है, तो फिर क्या, इसको टाइट नहीं करना है ना, टाइट इस तरह इसको ऊपर करना है और इसको इससे घुमाना है, नहीं इससे टाइट करना है। टाइट हो गई, ये फ्लेक्सिबल। और ये भी मुड़ता है यहाँ से, तो देखिए ये बैठ गया हाथ में। इसका फ्लैक्स यहाँ देखिए, ये जो पैर खड़ा रहने के लिए है ना, ये भी अच्छा है कि फिसलेगा नहीं, ग्रिप दिया हुआ है। और ये हाथ में भी एकदम इतना मस्त एडजस्ट हो जाता है, क्या कीमत पूछिए। और उसके बाद अब इसमें ये लगा देते हैं, ये वाला जो ग्रिप है, ये होल्डिंग करने वाला। सो गाइज, इस तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। और इसकी जो ट्राईपोड की प्राइजेस पड़ी है, इस ये कैमरा में भी यूज़ हो जाएगा, GoPro वगैरह सब चीज़ इसमें सेट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं हो सकता है। ये अगर आपको GoPro सेट करना है तो ये हटा दो बस, उसके बाद आप सीधा डायरेक्टली यूज़ कर लो। सीधा यहाँ पे है क्या कि GoPro सेट कर दो, इंस्ट्रूमेंट आती है GoPro की, पैड आती है, नीचे लगा सकते हो या कैमरा लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो जो आपका मन है। और इसका जो बिल है, इसका जो प्राइजेस है, वो अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो नीचे दिखा देता हूँ मैं। 404360 मेरे को ऑर्डर करने पे लगा और 43 रुपया GST लगा। अब पता नहीं GST कितना लगेगा हर बार, तो ये GST 43 रुपीज़ लगा, हर बार नहीं लगेगा, मतलब हर बार सामान मंगाते तो उसका बात कर रहा है, इसमें नहीं कि इसमें बार बार GST लगेगा। तो 360 का था, 43 का GST लगा, फिर टोटल बिल बन गया 404 का, 404 रुपया का। तो 404 का अगर ये ट्राईपोड मिल गया मेरे को तो अच्छा सा, कोई गलत नहीं है इस ट्राईपोड में। और इसकी देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स, इस तरह की बॉक्स है और सामने से इसका। सो गाइस, इसकी जो वेट है, इसकी हाइट तो 12 इंच है आप लोगों को पता है, और इसका ये जो वेट कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये वजन कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना हाई है मोबाइल या कैमरा, मोबाइल तो ज़्यादा वेट नहीं होता है, कैमरा की कितना वेट होती है, ज़्यादा बहुत बड़े बड़े कैमरेज होते हैं ना, तो कौन से कैमरे आ सकते, जो 1 किलो सिर्फ 100 ग्राम अगर एवब होगा तो वो ये बर्दाश्त कर सकता है, उससे अलावा नहीं बर्दाश्त कर सकता। उससे बड़ा कैमरा या भारी कैमरा है आपका, तो प्लीज़ आप ये ट्राईपोड ना खरीदे, आपको आप अलग ट्राईपोड खरीदे या गिम्बल खरीदे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा।
तो ये आपका बस इतने दिन इतने एफर्ट कर सकता है और तो कुछ इसके बारे में खास है नहीं, तो जो भी है मैं बता दिया हूँ। उसके बाद क्या है कि ये वाटर प्रूफ भी है, फिर उसके बाद इसको कहीं लटका सकते हैं, ये सब तो सारा चीज़ आप लोगों को पता ही है कि फ्लेक्सिबल है तो कहीं भी लटका सकते हैं इसको, कोई परेशानी नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जीत ब्लॉग्स, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट और प्यार दो तब इस तरह के और अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद पाऊँगा, क्योंकि आप ही लोग के पैसा से खरीदना है मेरे को जितने यूट्यूब के इनकम आएगी, क्योंकि अपना पैसा लगाना है नहीं इसमें, जो आएगी यूट्यूब से उसी से वही पैसा इन्वेस्ट करना है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।